अरे मामा, गैंगस्टरों की कहानी में आज बात हरियाणा की। वैसे हरियाणा की देसी बोली, देसी ठाट माट और भाईचारे वाला कल्चर अपन को काफ़ी पसंद है रे। खैर, हरियाणा खिलाड़ियों और फौजियों की सरजमी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के छोकरे लोग में खून का उबाल सातवें आसमान पर रहता है। यही कारण है कि हरियाणा के बहुत सारे छोकरे अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। हरियाणा का रोहतक वैसे तो एजुकेशन हब माना जाता है, बावजूद यहाँ कई ऐसे गैंगस्टर जन्म हैं जिनकी हनक से इस सिटी को गैंगस्टर सिटी भी कहा जाता है। तो मामा, आज बात करनी है हरियाणा के रोहतक के कुख्यात बदमाश की, जिसकी हनक से पूरा सूबा थर्राने लगता है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। इतना खूंखार गैंगस्टर है जो भरत कोर्ट में अपने आदमियों को घुसाकर गोलियां बरसाता है। हत्या के कई केस में नामजद इस भोकाली गैंगस्टर का नाम है राजेश उर्फ राजे। कम छो मजा मा। अरे मामा, मैं लोरिक यदुवंशी उर्फ गुज्जू भाई, और स्वागत है आपका गुज्जू हिस्टोरिकल मैन के इस छोटे से परिवार में। हरियाणा के रोहतक जिले में एक गांव है बोहर। इसी गांव में एक जाट परिवार रहता था। किसानी कर अपना गुजर बसर करने वाले इस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। बापू किसान था, माँ गृहिणी थी, और इस माँ बाप के तीन लड़कों में एक नाम था राजेश, जिसे हरियाणा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आज राजे कहते हैं। कहानी नहीं सुनाने का चीजा, अब उनके दिमाग में भी दिमाग है। अभी अपन है उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। राजेश ने स्कूली पढ़ाई रोहतक में की, लेकिन जब तक वह जवानी की दहलीज पर आता तब तक वह बुरी संगत का शिकार हो चुका था। उसे पैसा और पावर का ऐसा नशा चढ़ा कि अपराध की दुनिया में जाने से कोई न रोक पाया। अब गाहे बगाहे राजेश से अपराध होने शुरू हो गए। उसने अवैध शराब की तस्करी का धंधा शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ा। 2 महीने जेल में रहा। यह पहला मामला था जब राजेश जेल गया। अब उसने जेल का द्वार देख लिया था। ठान लिया, मामा अब तो अखे इलाके में राजे का ही डंका बजना मंगता। उसने जेल से छुटते ही शराब से हटकर दूसरे कई आपराधिक धंधे में हाथ आजमाया। इसी बीच सन 1997 में राजे के जिगरी दोस्त राजीव केरा की हत्या हो गई। दरअसल राजीव केरा और सांपला के रहने वाले देवेंद्र उर्फ कोच के बीच दुश्मनी थी, और इसी दुश्मनी में देवेंद्र कोच ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में राजीव की हत्या कर दी। राजीव की हत्या में जितेंद्र उर्फ चिकारा, रविंद्र उर्फ पास्कर, शिव कुमार और ढिल्ला को पुलिस ने उठा लिया। वहीं राजे अपने दोस्त की हत्या के मामले में गवाह था और इस केस की पैरवी कर रहा था। ये बात विरोधी गुट को राज न आई। वे लोग गवाही से पीछे हटने के लिए राजे को धमकाने लगे। राजे ने इस बारे में अपने भाई नरेश उर्फ काला से बात की, क्योंकि नरेश काला उस वक्त हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल था। राजे ने इस बारे में राजीव के रिश्तेदारों से भी बात की। फिर परेशान राजे ने देवेंद्र उर्फ कोच को ठोकने का मन बना लिया। सन 1998 MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। राजे, पवन, यशपाल और राजीव उर्फ पोचू हाथों में कट्टा लिए कालजे में बदले का प्रतिशोध लिए कॉलेज कैंपस में घुस जाते हैं, और जैसे ही लॉ के डिपार्टमेंट में देवेंद्र उर्फ कोच दिखा कि उधर ही टपका डला। इस मामले में राजे और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। इधर राजे जेल चला गया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उधर राजेश राजे के भाई नरेश काला ने पुलिस से इस्तीफा देकर हरियाणा के उस वक्त के नामी अनूप बलराज गिरोह ज्वाइन कर लिया। यहाँ बता दूं कि अनूप बलराज की दुश्मनी थी दिल्ली और हरियाणा के सबसे पहले गैंगस्टर कृष्ण पहलवान से, और इन दोनों गिरोह के बीच की गैंग वॉर को दिल्ली और हरियाणा की पहली गैंग वॉर माना जाता है। हमने आज से 30-40 साल पुराने इस गैंग वॉर आपसी रंजिश और वर्चस्व की जंग पर 2 वीडियोस बना रखे हैं, और इसे भी ज़रूर देखें। इन दोनों वीडियो की लिंक एंड स्क्रीन पर दे दी जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी छोड़ देंगे। सन 2003 राजेश उर्फ राजे पैरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन पैरोल जंप कर वह भाग गया, फिर पकड़ा गया, फिर भाग गया। इस तरह जेल तो कभी बाहर ये सिलसिला जारी रहा। जून 2010 राजे की रोहतक के रहने वाले बलकार सिंह से दुश्मनी बढ़ चुकी थी, और एक दिन राजे ने बलकार सिंह को टपका डाला। इस केस में फिर से जेल गया। अक्टूबर 2011 में फिर से बाहर आ गया। अरे मामा, अब शुरू होने वाला है खूनी जंग का खेल। दरअसल रोहतक में और एक गैंगस्टर है जिसका दबदबा पूरे इलाके में चलता है, रमेश लोहार।
और राज्य और रमेश लोहार के बीच पिछले कई सालों से गैंग वॉर चल रही है। चूंकि रमेश लोहार कृष्ण पहलवान गिरोह से जुड़ा हुआ है, वहीं राजे का भाई नरेश काला अनूप पहलवान गिरोह से। कृष्ण पहलवान गिरोह ने अनूप पहलवान गिरोह को कमजोर करने के वास्ते नरेश काला का राम नाम सत्य करने का प्लान बना डाला और जिम्मा सौंपा गया रमेश लोहार को। साल 2013 में रमेश लोहार ने अपने घातक शूटर भेजे। हालांकि शूटर कुछ कर पाते उससे पहले रोहतक पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल ने शूटरों को पकड़ लिया और प्लान फेल हो गया। इधर राजे को पता चला कि अपने भाई को मारने इतनी बड़ी साजिश रची गई थी, तब राजे ने रमेश लोहार का गेम ओवर करने तैयारी कर ली। अब सुनो मामा, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब बड़ी बड़ी ताकतें एकजुट हो जाती हो तब कितना बड़ा खेल खेला जाता है। दरअसल दरियापुर का खूंखार गैंगस्टर सत्यवान उर्फ सोनू दरियापुर अक्सर राजे के भाई नरेश काला से मिलने उसके गांव जाता था। उसे ले जाने वाले गैंगस्टर का नाम था संजय लाकड़ा। दरअसल संजय लाकड़ा नरेश काला और सोनू दरियापुर दोनों का दोस्त था, तो यहाँ गांव में मुलाकातों के सिलसिले में राजे भी इनसे मिला और दोस्ती हो गई। फिर नजफगढ़ का मशहूर गैंगस्टर मंजित महल भी इनसे मिला। अब यहाँ यारी दोस्ती में एक डील हुई। डील ये थी कि राजे और सोनू दरियापुर एक दूसरे के दुश्मनों को ख़त्म करने में एक दूसरे का साथ देंगे। राजे का दुश्मन था रमेश लोहार, जबकि सोनू दरियापुर का दुश्मन था मोनू दरियापुर। अब जब दो बड़े माफिया एक साथ आए तो उनकी पूरी गैंग भी एकजुट हो जाती है। इस तरह राजे के खूंखार शूटर सुमित प्लोटरा, सोनू केजरीवाल, संदीप पादू सतीश, वहीं सोनू दरियापुर के मंजित महल, नवीन खत्री, विजय लांबा, परमित और समुंदर खत्री जैसे खूंखार शूटर एकजुट हो गए। अब वार करना था राजे के सबसे बड़े दुश्मन रमेश लोहार पर। 28 मार्च 2017 रमेश लोहार की रोहतक कोर्ट में पेशी थी। पुलिस का एक बड़ा काफिला लोहार को कोर्ट में ले जा रहा था, तभी वहाँ आदमखोरों की पूरी फौज आई। सुमित प्लोटरा, संदीप, नसीब, धीरज और राहुल, इन बदमाशों ने रमेश लोहार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हालांकि इस गैंग वॉर में रमेश लोहार तो बच निकला, लेकिन उसका साथी संजीत मारा गया। 16 अप्रैल 2017 लोहार पर हमला करने वाले सारे शूटरों को सोनू दरियापुर दिल्ली अपने अड्डे पर बुला लेता है। 20 अप्रैल 2017 सोनू दरियापुर के पास पूरी जानकारी थी कि आज मोनू दरियापुर इस इलाके में आने वाला है। सोनू ने अपने रावत शूटरों को रवाना किया, जिनमें राजेश उर्फ राजे, खुद सत्यवान उर्फ सोनू दरियापुर, विजय लांबा, सुमित प्लोटरा, संदीप उर्फ पद्दू, सोनू केजरीवाल, सतीश और परमजीत शामिल थे। उधर मोनू दरियापुर सुरक्षा में तैनात दो पुलिस अफसर विजय कुमार और कुलदीप और मोनू के दो दोस्त अरुण और योगेश अपनी मारुति सियाज कार में न्यू दिल्ली के पिरागढ़ी गर्ग प्लाजा के शौकीन चौक पर मौजूद थे। उसी वक्त राजे और सोनू दरियापुर अपनी गैंग लेकर आए और अंधाधुंध फायर झोंक दिया। इस शूटआउट में मोनू दरियापुर और अरुण मारा गया, वहीं एएसआई विजय कुमार शहीद हो गए और तीन लोग घायल हुए। बताया जाता है इस वारदात में 35 राउंड गोलियां चली थी। तब इस पूरे घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला था। पूरे दिल्ली में हर कोई डर गया था और यही वह घटना थी जिसने सोनू दरियापुर के साथ साथ राजेश राज्य को मोस्ट वांटेड भाइयों के भी भाई बना दिया था। खैर 26 जुलाई 2017 को राजेश उर्फ राजे कर्नाटक के उत्तरी इलाके के मदनगिरी के कोक्कण क्रॉस से गिरफ्तार हुआ और आज शायद हरियाणा की करनाल जेल में अपनी उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। मेरे वीरो, ये कहानी आज के छोकरे लोग जो बदमाशी के चक्कर में अपराधी बन जाते हैं उनके लिए एक सबक है कि राजे ने अपराध कर खूब पैसा कमाया, पावर कमाया, लेकिन आज वो जेल में बंद है। फिर क्या करना है ऐसा नेम फेम का, तो मेरे वीरो बस अपराधी मत बनो। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस लौरिक यदुवंशी और गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।